रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम किसे कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो वर्ड हाइड्रा है इसका मतलब होता है वाटर ठीक है हाइड्रा hydra, हाइड्रस आप जिससे पहले भी पढ़ते दिस इंडिकेट्स वाटर डी का जो वर्ड है यहाँ पे ये इसका मतलब बन रहा है रिमूवल राइट सो रिमूवल ऑफ वॉटर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये टेंडेंसी है कि जब ये किसी कंपाउंड के साथ रियक्ट करता है लेट्स से कंपाउंड इज दिस थिंग तो ये इस चीज के अंदर से अगर कहीं से एच टू ओ का मॉलिक्यूल सेपरेट हो सकता है तो वो उसको अलग कर देता है ठीक है और पीछे जो भी इसके अलावा कंपाउंड बच जाता है वो आ जाता है ये क्यों होता है इसकी मैं आपको रीज़न पहले तो बता दूं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करे तो व्हाट हैपेंस इज कि सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एच प्लस में और एच एस ओ फोर माइनस के अंदर स्प्लिट हो जाता है अब ये जो एच प्लस है ये वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आइन जनरेट करते हैं एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड साथ में एच एस ओ फोर नेगेटिव एज इट इज प्रोड्यूस हो जाते हैं राइट यानी जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो हमेशा आपके पास बनेंगे एक हाइड्रोनियम एंड साथ में बायसल्फेट और अगर मजीद आपके पास पानी अभी और भी पड़ा हुआ है सो दिस बायसल्फेट इज गोइंग टू फर्दर डिजोल्व इन वाटर बायसल्फेट क्या करेगा कि अगेन स्प्लिट हो जाएगा एच प्लस में एंड एस ओ फोर माइनस टू के अंदर और ये एच प्लस अगेन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आइन एक और बना देगा एंड साथ में दिस टाइम दर इज गोइंग टू बी सल्फेट रेडिकल ट दीज टू रिएक्शन टूगेदर टू सी ओवरऑल रिएक्शन क्या होता सो दिस इज ऑन द बोथ साइड ये कैंसिल हो जाएगा सल्फ्योरिक एसिड एच टू एस ओ फोर प्लस टू मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिवस टू मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोनियम आइन प्लस सल्फेट ऑल राइट ये रिएक्शन आपको यह बता रहा है कि सल्फ्योरिक एसिड बहुत ही ईजीली वाटर uh, के साथ रिएक्ट कर जाता है ठीक है या इन अदर वर्ड्स, सल्फ्यूरिक एसिड हैज एन अफिनिटी एफिनिटी या टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर एंड इट इज एन एसिड तो इसकी कोशिश होती है कि एच प्लस डोनेट करे तो और कोई चीज ना हो कम अज कम वाटर ही हो तो ये क्या करेगा कि वाटर को अपने एच प्लस डोनेट कर देगा और वाटर एच प्लस डोनेट करने के बाद वाटर एच थ्री ओ में चेंज हो जाएगा ठीक है ओवरऑल बस ये रिएक्शन आपको ये बता रहा है ना लेट्स टेक सम एग्जाम्पल जिसमें यह रिएक्शन एक तरह से हो रहा होगा वी स्टार्ट फ्रॉम सिंपल हाइड्रोकार्बन बिकॉज मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे स्टार्ट करोगे हाइड्रोकार्बंस जो हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा ये फिनोमिना देखा जाता है सो विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड नाउ ऑक्सैलिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आप अपनी बुक के चैप्टर नंबर 13 अंदर रेफर कर सकते हो कि चैप्टर नंबर थर्टीन पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक कार्बन होता है जिसके साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ होता है इस पूरी चीज को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ऑल राइट इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनाइल एंड साथ इसके आप एक ओ एच लगा दो साइड पे कार्बन की एक तरफ आप लगा दो ओ एच इस ओ एच को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ठीक है नाउ अब ये एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ये कार्बोनाइल भी लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल भी लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल से कार्बो उठाओ और हाइड्रोक्सिल से एक्स वाई एल उठाओ ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोक्सिल कंपाउंड्स या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स

क्या है और इसकी डिहाइड्रेशन कैसे होती है ऑक्सैलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ये किसका का एसिड है कि इसमें दो दफा सी डब्लू एच लगा हुआ होता है right? और ये दोनों की एक एक चेन खाली है ना तो ये दोनों कार्बन ने आपस में अब यू कैन सी एवरी कार्बन हैज मेड फोर बॉन्ड्स नाउ इफ यू मेड किट टू रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म तो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू एलिमिनेट वाटर वाटर इज गोइंग टू एलिमिनेट फ्रॉम दिस कंपाउंड अब वाटर किस तरीके से एलिमिनेट होगा लेट से ओ एच फ्रॉम दिस ग्रुप एंड एच फ्रॉम दिस ग्रुप ये एच और ओ एच विल कंबाइन टू फॉर्म एच टू ओ अब जो पीछे कंपाउंड आपके पास पूरा बच गया है इफ आई रीड रॉइट ऑन द राइट साइड हियर जो पीछे आपके पास पूरा बच गया है इसमें से यह जो पूरी चीज है ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड की शेप इख्तियार कर लेगी विल गेट सी ओ एंड ये जो पूरी चीज है ये सी ओ टू की फॉर्म इख्तियार कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड सो ओवरऑल विल हैव थ्री प्रोडक्ट्स दीज थ्री प्रोडक्ट्स वाटर वाटर तो हमेशा बनता ही बनता है क्योंकि एच टू फोर की टेंडेंसी है कि ये एक ओ OH एच और एक एच को सेपरेट करा के एच टू ओ प्रोड्यूस करवा देता है ठीक है साथ में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा वंस यू रिएक्ट कार्बोक एनॉक्सैलिक एसिड विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस इज ऑल्सो अ कार्बोक्सिलिकसिड फॉर्मिक एसिड में यह होता है यू हैव सी डबल बॉर्न ओ

ये फॉर्मिका से हुआ वह एंड दिस रेफर्स टू एंड ये च्यूंटियों को ये कहते हैं और चूंकि ये जब पहली दफा ये एसिड पता चलाया गया था तो ये च्यूटियों के अंदर पाया गया था दैट्स व्हाई वी कॉल इट फॉर्मिक एसिड नाउ फॉर्मिक एसिड इफ यू मेक इट टू रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मैंने आपको पहले बोला ये वाटर एलिमिनेट करता है सो हाउ डू यू थिंक वाटर विल बी एलिमिनेटेड ओ एच यहाँ से आप अलग करो एच यहां से अलग करो ये दोनों मिलकर बना देंगे एच टू ओ

Let's take an alcohol this time. अब मैं एथाइल अल्कोहल लेने लगाऊ एथाइल अल्कोहल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एथाइल अल्कोहल अल्कोहल किसी ऐसे कंपाउंड में कहते हैं जिसमें सिंपली ओ एच ग्रुप लगा हुआ होता है ठीक है अभी रिसेंटली मैंने आपको एक बात बताई है ऊपर यहाँ पे क्योंकि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सी ओ लगा हुआ हो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कुछ भी हो सकता है अगर एक साइड पे एच हो तो इट्स एन अगर दोनों साइडों पे कार्बन तो इट्स अ कीटोन और अगर किसी कंपाउंड पे ओ OH एच लगा हो तो इस ओ OH एच को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं एंड सच ए कंपाउंड इज देन अल्कोहल ठीक है लेट्स कम बैक हियर नाउ एथाइल अल्कोहल इज सिंपली एन अल्कोहल जिसमें एक साइड पे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है एंड उसकी दूसरी साइड पे वी हैव एन एथाइल चेन सी सी एथाइल रेफर्स टू टू कार्बन चेन टू कार्बन चेन सो टू कार्बन आर हियर एंड रेस्ट यू कैन कंप्लीट ऑल द बॉन्ड नाउ यू हैव सी टू एच फाइव ओ एच दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल अब इट्स वेरी ऑब्वियस अगर इसके अंदर से आपने पानी रिमूव करना हो सो वट इज गोइंग टू फॉर्म यू कैन वेरी इजिली फॉर्म दैट थिंग आप यहां से एक ओ एच OH रिमूव करो यहां से आप एक एच रिमूव करो ठीक है एंड एक एच टू आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा जो पीछे बचेगा उसमें एक कार्बन है एक कार्बन है कार्बन के ऊपर नीचे एच अटैच हुए हुए हैं कार्बन का आपस में एक बॉन्ड है नाउ यू कैन सी दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम है तो ये एक एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बना के ये कंपाउंड बना देंगे नो इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड दिस इज द फॉर्मुला ऑफ एथीन सी टू एच फोर दिस इज एथीन सो आपने एक सैचुरेटेड कंपाउंड को एक कंपाउंड में चेंज कर दिया है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स और एक कोई भी अगर डबल बॉन्ड अगर आपके कंपाउंड के अंदर है तो देन दिस इज एन अनसेड compound so if you have converted a saturated compound into unsaturated compound by removal of water and this will take place in the presence of definitely sulfuric acid which is concentrated let's take a final example of macromolecules macromolecules is primarily your chapter number 14 chapter number 14 can the both detail can the macromolecules structures discuss whoever we start from simple ग्लूकोज विच इज C6H12O6, सिक्स अगर ग्लूकोज़ के अंदर एसिड कंसेंट्रेटेड तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा कि इसके अंदर से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो सकते हैं उनको करेगा अब देखो 12H और 6OH, आ, 6O जो हैं इनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो H2O 6 दफा एक ही बात हो गई ना यानी ये बेसिकली सी सिक्स के अंदर छह दफा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये छे के वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग कर देगा पीछे आपके पास क्या बच जाएगा छह कार्बन के आइटम्स तो यू विल गेट सिक्स कार्बन आइटम्स दिस इज इट अ वेरी सिंपल मेथड जिसमें मैंने क्या किया कि इसमें छह वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो वो एलिमिनेट कर दिए आपके पास यहां पे छह वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए और साथ में आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट था दैट वाज सिंपली कार्बन

ये मुझे कैसे पता चल रहा है चूंकि आप ऑक्सीजन का नंबर देख के डायरेक्ट बता सकते हो एवरी वॉटर मॉलिक्यूल कंटेन्स सिंगल ऑक्सीजन एटम एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सो इज एक्चुअली यारह दफा वाटर का मॉलिक्यूल सो सल्फ्यूरिक एसिड विदिमिनेट दिज इलेवन वाटर मॉलिक्यूल्स और पीछे आपके पास क्या चीज बच गई दिस थिंग एंड वॉट इज दिस बारह मोल्स ऑफ कार्बन ऑल राइट अगेन दिस वॉज अ वेटी सिंपल केस जिसके अंदर आप बिग मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल जिसके अंदर से आपने सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए एग्जाम्पल इज अबाउट स्टार्च स्टार्च क्या होता है स्टार्च इज बेसिकली अ वेरी लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स स्टार्च का जो केमिकल फॉर्मूला है दैर इज सी सिक्स एच टेन ओ फाइव होल एन होल एन आपको यह बता रहा है कि इसी तरह के ग्रुप रिपीट हो रहे होते हैं लॉन्ग चेन सो दिस ग्रुप विल एक्चुअली बी रिपीटेड थ्रू आउट नाउ इफ यू मेक दिस कंपाउंड टू रियक्ट विद सल्फ्योरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म अब इसका आपने प्रोडक्ट थोड़ा सोच के लिखना अगर आप एक सी सिक्स एच टेन ओ फाइव लो तो इसमें दस हाइड्रोजन और पांच ऑक्सीजन हैं जिसको आप कह सकते हो पांच वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीड ये तब होगा अगर आप सिंपली एक ये लो अब आपको पता है स्टार्च के फॉर्मूले में इस तरह की एन आपस में जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो बजाय इसके कि आपके पास एक सिंपली पांच बने ये एन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी एन इन फाइव टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है और अगर एक आपके पास सी सिक्स एच टेन ओ फाइव हो तो उसमें छह कार्बन होते हैं ठीक है सो so, ओवरऑल आपके पास छ्बन नहीं बनेंगे बल्कि एन टाइम्स सिक्स कार्बन बनेंगे सो ओवरऑल लेट्स राइट राइट द हैंड साइड इन द सिंपल वे फाइव एन टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड सिक्स एन टाइम्स आपके पास कार्बन जो है ये सेपरेट होगा ठीक है सो दिस इज वॉट हैपन जब आप स्टार्च को रिएक्ट करवाते हो विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिहाइड्रेशन हो जाती है एग्जैक्टली exactly स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है फॉर दिस आई रिकमेंड कि आप चैप्टर नंबर फोर्टीन के अंदर जाओ एंड लुक एट द टॉपिक ऑफ स्टार्च उसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगी इसके ऊपर लेट्स नाउ रिकॉल आज हमने क्या क्या देखा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिंपली इज डिहाइड्रेशन इट्स रिमूवल ऑफ वाटर एंड वाटर इस वजह से रिमूव होता है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ टेंडेंसी और अफिनेटी टू रिएक्ट विद वाटर एंड गिव अवे इट्स प्रोटॉन्स टू गिव हाइड्रोनियम ऑल राइट इसके बाद हमने ये देखा कि हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली जो हैं ये जो हैं ये ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते एलिमिनेट कर करने में हेल्प करते हैं इफ इफ टेक टेक आई सिंपली एसिड इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू सी ओ सी डब्लो एच ग्रुप्स ठीक है जिसको तो हम यू भी लिखते होते हैं सी डब्लो एच होल ट्वाइस इफ यू टेक ऑक्जेलिक एसिड तो सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म और इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी हाउ इसके बाद आई टोल्ड यू व्हाट इज

next lecture is going to be the last lecture finally for this chapter this is a very lengthy chapter oxidation reactions of sulfuric acid and there are some miscellaneous reactions miscellaneous reactions this we will kind of making okay, how the sulfuric acid react with benzene which is c6h6 and there would be some gases sath reaction and some precipitation reactions we'll talk about them in the next lecture